हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे स्नप्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आप लोगों का दोस्त एसएसएम फैकल्टी ऑफ मैथ्स एंड आई एम फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। दोस्तों आज मैं सेकंड वीडियो लेक्चर लेकर के आया हूं। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के सामने वादा किया था, मैं उसी की उम्मीद को किरण पे आपके ऊपर एक विश्वास दिलाने एक वादा करके एक टॉपिक्स को पढ़ाने आया हूं। वो टॉपिक्स है एडवांस मैथ का ट्रिगोनोमेट्री। बच्चों दोस्त, ये जो ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, इस ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड को समझने की कोशिश करो। ये देखो, इसी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री छुपा हुआ है। हिंदी वाले मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चे इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति। जहाँ जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा, अगर आपको कुछ चीज़ें आप चाहते हैं कि सर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो आप हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें और आप हमारे साथ चलेंगे। आप जगे हुए रहेंगे, पढ़ेंगे, सोए हुए नहीं पढ़ेंगे, जग के पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम जगेंगे तभी हमारा लक्ष्य भी जगेगा, अगर हम सोएंगे तो हमारा लक्ष्य भी सो जाएगा, है ना। कि एज ए आईटियन सोचने का नज़रिया बहुत डिफरेंट होना चाहिए। आप मेरे जैसा सोचें, आप मेरे साथ चलें, अपने सपनों को पूरा करें। देखिए ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या, मैं बात करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर का। दीज आर द वेरी वेरी दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द एडवांस मैथ्स फॉर द टू द लेवल ऑफ SSC एडवांस SSC CGL, है ना। मैं SSC की बात कर रहा हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है, मैं इसको कोशिश करता हूँ। देखो मैं छोटा सा मैं क्या कर सकता हूँ, तीन पार्ट में, ट्राई है, एक सेट गोनो है, एक सेट मेट्री है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है एंगल, अब मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। थ्री ट्राई फॉर थ्री, गॉन फॉर एंगल एंड मेट्री फॉर मेजरमेंट। या ऐसे भी कुछ बुक में आपने देखा हुआ लिखा होगा कि ट्रिगोन प्लस मेट्रॉन। ट्रिगोन मतलब वही चीज हो गया तीन एंगल, मेट्रॉन का मतलब क्या हो गया मेजरमेंट। हिंदी मीडियम वाले मेजरमेंट को बोलते हैं मापना, एंगल को बोलते हैं कोण, और थ्री को जैसा कि आपको पता होगा, यानी कि जो ट्राइंगल्स होते हैं, जो उसमें जो तीन एंगल्स होते हैं, उसी तीन एंगल्स के मेजरमेंट को और उसी में जो एक साइड्स भी होते हैं, उन दोनों का रिलेशन क्या है, उस एंगल्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं, जो एंगल का जो मेजरमेंट है उन्हीं सब के स्टडी को, जो एक रेशियोस जो होते हैं, जो साइड्स वाला जो पार्ट होता है उन्हीं के रेशियोस को जो हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं, इस ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली कौन से ट्रायंगल की स्टडी करते हैं, तो 99% स्टूडेंट जैसा कि जानते हैं हम स्टडी करते हैं समकोण त्रिभुज की। किसकी? समकोण त्रिभुज की। इंग्लिश में बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब है कि यहाँ पे क्या बनाता है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं 90 डिग्री। मान ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ऐसा भी राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है समकोण त्रिभुज। या ऐसा भी बन सकता है, ये हो गया 45, ये हो गया 45, या ये 30 यहाँ भी आ सकता है, 60 ये यहाँ भी हो सकता है। समकोण त्रिभुज इतने तरीके से ही बन सकते हैं। अब एक बात यहां पे समझने की जरूरत है कि देखिए, इसको हम बोलते हैं कर्ण, इंग्लिश में बोलेंगे इसे हाइपोटेन्यूस, इसको हम बोलते हैं लंब, इंग्लिश में बोलेंगे पी, इसको हम बोलेंगे आधार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेस। देखिए हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, मैं फिर से वही बात कह रहा हूं, अगर हमारा रूट सही होगा ना तो हमारे फ्रूट्स भी बहुत अच्छे होंगे। मैं बेसिक्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों का रीजन दे के पढ़ाऊंगा, क्योंकि देखिए SSC आपसे रीजन नहीं पूछेगी। अगर आपने एक एक चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से आपने पढ़ लिया ना आप रीजन के साथ, तो बाय गॉड सच बताऊँ आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। आपका जो SSC में जो 250 मार्क्स का जो मैथ का जो मार्क्स होते हैं बहुत अच्छे आएंगे, आप यकीन करोगे मेरे पे, विश्वास करो। देखो आधार कितने का है, आधार हो गया, आधार बेस हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेन्यूस। अब इन तीनों में कुछ रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथा
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दोस्तों थोड़ा हिंदी में थोड़ी गलतियां हो सकती है, उसके लिए मुझे माफ करना। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखेंगे एक बात जो आपको जो समझना है, जो बहुत ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, जिसको ध्यान से आप समझना, इसको नोट डाउन कर लेना। तो आपने जैसे देखा, देखो अब हम बात करते हैं, ये है आपका समकोण त्रिभुज, यहाँ पे है 90 डिग्री का है, ये ए बी और ये है सी। देखो ध्यान से, इस कोण का सामने वाला ये हो जाएगा लंब, इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब। देखो अगर ए के सामने वाला पार्ट ये हो जाएगा लंब, सी का पूछे तो सी के सामने वाला ये हो जाएगा लंब। इस बात को ध्यान रखो, कई सारे लोग कहते हैं कि ये तुम याद रखो, याद मत रखो। देखो ए के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, सी के सामने वाला ये हो जाएगा लंब। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में मेन जो है तीन चीजों को हमें याद रखना है। देखो पहली चीज क्या है, साइन, दूसरी चीज क्या है, कॉस, तीसरी चीज क्या है, सेक। साइन, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। सेक का उल्टा क्या होता है, सॉरी, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सॉरी साइन कॉस टेन। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। साइन पहला क्या है, साइन, दूसरा क्या है, कॉस, तीसरा क्या है, टेन। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। इस बात को आप ध्यान में रखो, यानी कि साइन बोलेगा हाँ तो कॉसेक बोलेगी ना। ये दोनों पति पत्नी के काम करते हैं, जैसे कहते हैं ना घर में पति पत्नी होती है, कुछ पत्नियां कहती है जी मुझे ये चाहिए, कुछ पति कहते तेरे को ये नहीं लेना तू ये ले, यानी कि दोनों में आपस में बनती नहीं है। तो वही फंडा इन दोनों का है, साइन का और कॉसेक का है। देखो क्या फंडा है, मैं बात बताता हूं दोस्तों। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, इंग्लिश में बोले तो पी बाय एच। कॉस थीटा में होता है आधार बटे में कर्ण, यानी कि बी बाय एच। और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार, यानी कि पी बाय बी। देखो मैं आपको कैसे कैसे चीजें रिवाइज करा रहा हूं, अगर किसी बच्चों को अगर ये याद नहीं है तो मैं उसका तरीका, इसको मैं छोटा सा आपको एक टेक्निक बताता हूँ। आपको याद होगा इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं आपको अगर याद नहीं है तो आपको सुना होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पंडित भोले प्रसाद हर हर भोले। या तो आप ऐसे याद कर सकते हो, या तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान है ही भूखा प्यासा सच बताऊं तो, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। अगर इंग्लिश मीडियम वाले, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनको कैसे याद रखना है पता है आपको, बताओ बताओ कुछ बताओ। लाल बट्टे कक्का, या तो आप लाल बट्टे कक्का याद कर लो, यानी तो लाला आम लाया कच्चे कच्चे आम। शायद आप या सुन, लाल बट्टे कक्का आप याद रखो। देखो अब समझने की कोशिश करो, यानी साइन थीटा बराबर क्या है, पी बाय एच। कॉस थीटा बटा क्या है, आधार बटा। देखो साइन किसका, साइन और कॉस क्या है, एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। यानी साइन का क्या है, ये जो है ना ये उल्टा है। कॉस का क्या है, ये उल्टा है। टेन का क्या है, ये उल्टा है। अब देखो अगर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण है तो साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का। अगर ये कॉसेक का है ना, तो अगर साइन थीटा बराबर ये है लंब बटा कर्ण है पी बाय एच, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा एच अपॉन में पी। कॉस थीटा बराबर अगर पी सॉरी बी अपॉन में एच है तो ये हो जाएगा आपका एच अपॉन में बी। अगर टेन थीटा बराबर पी बाय बी है तो ये हो जाएगा आपका बी बाय पी। समझ में आया इतना, बोलो हाँ। अगर समझ में आ गया तो मुझे जरूर आप एक बार लाइक करेंगे, नहीं समझ में आया तो लाइक नहीं करेंगे, समझ में आया होगा। अब देखो एक बात और बता रहा हूँ, अब देखो यहाँ पूछ रहा हूँ, आपसे पूछा जा रहा है कि साइन
सी बराबर, देखो सी बराबर पूछा है, ये साइन थी। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में कर्व, लंब बटे में कर्व, तो साइन सी सी, तो सी मैंने बोला तो ये वाला पूछा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, तो लंब कितना है ए बी बटे में, कर्ण कितना है ए सी, ये है ना, ये है आपका कर्ण, ये है आपका लंब, ये है आपका आधार। देखो हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, जो भी मेरा वीडियो देखेगा ना, कहीं का भी देखेगा ना, उसको समझ में आएगा, मैं सब की बातों को ध्यान रख रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट बिल्कुल है, अच्छी बात है, मैं आपकी इंटेलिजेंट को बिल्कुल सम्मान करता हूँ। अगर मुझे आपसे कुछ सीखने को मिला जरूर मैं सीखूंगा, ऐसा नहीं है, हाँ पेशेंस जरूर रखें। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स क्या है, पेशेंस की मांग करता है। अगर आपने अपने आप को ठान लिया ना कि मुझे मेरे अंदर पेशेंस है, मैं गवर्नमेंट जॉब लेकर के, दोस्तों गवर्नमेंट जॉब लेना एक बहुत बड़ा तपस्या नहीं, बहुत टफ काम नहीं है, दो मिनट का खेल है, चुटकी का गेम है, सच बता रहा हूँ आपको। बहुत बड़े बड़े ये मत सोचो कि बहुत टफ गेम, बहुत टफ पेपर आता है, बिल्कुल टफ पेपर नहीं आता है, टफ पेपर, आपने टफ नाम का शब्द बोल कैसे दिया मुझे ये बता दो, क्योंकि आप खुद ही सोचते हो ये टफ है। आप ऐसे सोसाइटी में रहते हो, ऐसे आसपास बच्चों के बीच में रहते हो जिन्होंने आपको बोल दिया टफ है, टफ है, और टफ सोचने लग जाते हो। टफ कुछ है ही नहीं, टफ नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैं बता दूं मेरा अप्रोच, मैं जिस तरीके से बताऊंगा आप उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखना एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, पूरे में पूरे मार्क्स आपके आ सकते, चाहे आपका मैथ्स कितना भी वीक हो। उसके बाद अगर आपको मैथ्स समझ में नहीं आती ना तो आप मेरे से जरूर पूछना, मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखो यहाँ पे साइन सी, अगर आपको यहाँ पर पूछे कॉट ए बराबर, देखो कॉट का, कॉट का फॉर्मूला क्या बताया, बी वाई पी, बी मतलब आधार बटे में मतलब, देखिए कॉट ए, ए ये रहा, ए के सामने वाला ये रहा लंब, मैंने बताया ए, इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, तो ए के सामने वाला ये क्या है लंब, तो ये हमें क्या चाहिए कॉट का, हमें क्या चाहिए आधार चाहिए, कौन कौन सी बात कर रहा है ए, तो ए रहा, तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आधार, हो जाएगा इसका ए बी, और लंब क्या हो जाएगा इसका, ये वाला पार्ट बी सी। हम मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब मुझे एक बात बताएंगे कि आप मुझे बताओ sec a बराबर क्या होगा, sec a बराबर मैं पूछ रहा आपसे, sec a, sec पहले देखो sec किसका उल्टा है, cos का, cos का उल्टा है sec, तो sec का फॉर्मूला क्या था h by b, तो a पूछा है ना a, तो a के सामने वाला तो ये है लंब, तो हमें क्या चाहिए, पहली बात तो h तो यही है h, देखो h क्या है ac, अब हमें क्या चाहिए आधार, आधार क्या है ए के सामने वाला ये है लंब, तो आधार क्या हो जाएगा ये भी ध्यान रखना, हम इस लंब और आधार ही बदलेंगे। अगर आपको साइन ए पूछेगा तो ए के सामने वाला चीज ये हो जाएगा लंब, अगर कॉस सी पूछेगा तो इसके सामने वाला ये, अगर ये वाला कोण पूछेगा, ये वाला एंगल पूछेगा, इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब, अगर ये वाला पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा लंब। ये दोनों चीज आपस में हेर फेर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लंब और आधार बदलते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आप देखेंगे कि इस मेथड पे, इस वाले टेक्निक से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराता हूँ, कैसे इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, है ना, मैं कुछ आपको क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको दिखाता हूँ। इसको इरेज करना है सर, मार्कर दीजिए, वो देखेंगे, मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, देखिए ये एक ए बी सी ईच अ राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल बी, देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, बी पर क्या है राइट एंगल है, 90 डिग्री है, ठीक है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है, है ना, इसमें हमें दिया क्या है साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन थीटा का फॉर्मूला का, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे में कर्ण 3/5, देखिए ये ए के सामने ये है लंब, ये 3 है, तो ये कर्ण है, पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये 4 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या करेंगे जब आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो 4 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार के, जब आप इससे निकालेंगे तो आपका जो आधार है वो आपका 4 आएगा, है ना। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये पूछा है, ये आपका गिवन है। अब क्वेश्चन पूछा है कि त्रिकोणमिति का जो अनुपात है 6:6 अनुपात जो है, 6 अनुपात त्रिकोणमिति का हमें वो बतानी है एट एंगल सी। एंगल किस पर? सी पे। किस पर बतानी है? एंगल सी। तो इस वाले एंगल सी की बात कर रहा है। अब देखो अगर हम यहां से निकालना चाहें साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो सी के सामने वाला ये है लंब, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन सी आ गया तो आप बताते हुए कोई देरी ना होगी कि कॉसेक सी क्या हो जाएगा? 5/4। टैन सी निकालेंगे तो टैन सी, सी के सामने क्या होता है? लंब। तो लंब ये रहा 4/4, आधार क्या हो जाएगा? 3। तो कॉट सी के तक कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3/4। ठीक है, आ रही समझ में? कॉस सी, कॉस के सामने ये है लंब, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर। तो ये आधार हो जाएगा 3/5। अब कॉस का उल्टा बोलो, बोलो जल्दी बोलो, कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। सेक बराबर क्या होता है? 5/3। तो देखो कितना प्यार से, बिल्कुल पहला क्वेश्चन दिया था साइन ए बराबर 3/5 दिया था इस कोण का, लेकिन पूछा किससे? एंगल सी का। तो ध्यान रखना, इसके सामने वाला ये होता है लंब, ये पूछे तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा लंब। यानी कि लंब और आधार ही आपस में बदलेंगे, कर्ण कभी नहीं बदलता। परपेंडिकुलर एंड बेस आर द चेंज, हाइपोटेन्यूस विल नेवर बी चेंज्ड। ओके फाइन, अब देखेंगे। एक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। देखो थोड़ा सा सर उसको देखिए, आपके एसएससी के अकॉर्डिंग जो एक अगर क्वेश्चन अगर आ सकता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकता है, जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक्स फंडामेंटल पे जो पूछा जा सकता है। देखिए दिया है इफ साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दिया है। तो त्रिकोणमिति के 5 अन्य अनुपात बताओ, ये पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, साइन थीटा बराबर, फिर से आप एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये थीटा है तो ए स्क्वायर, ये लंब है लंब बटा कर्ण, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसको पाइथागोरस थ्योरम, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको पाइथागोरस थ्योरम जब आप सॉल्व करोगे, मेरे कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है, आप भी जब कई सारे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो आपका भी कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट आ जाएगा। तो ये आपका निकल आएगा 2AB, कुछ नहीं था, कितना सिंपल हो गया 2AB। अब आप देखो, आपसे क्या पूछा? 5 अन्य त्रिकोण अनुपात, साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, इसको आप इंटरचेंज करोगे तो आपका कॉसेक थीटा भी यहाँ से आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको लंब भी दिया है, कर्ण भी दिया है और आधार भी दिया है। अब सिंपल निकाल लो, अगर आपको कॉस थीटा निकालना हो तो आधार बटे कर, तो 2AB अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेक थीटा निकालना हो तो आप ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में 2AB। आप जो निकालो आप इससे आसान निकाल सकते हो, क्योंकि आपको ये हाइपोटेन्यूस भी दिया है, यहाँ पे आपको बेस भी दिया हुआ है और यहाँ पे आपको पी भी दिया हुआ है ना। तो ये था बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आप समझने की कोशिश करो, समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे आप ज़रूर बताएं, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मैं बात करता हूँ। इसी के रिगार्डिंग मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, देखिए स्टार्ट मत करो, थोड़ा सा थक गया हूँ।